हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी को इस छोटी सी वीडियो में यह बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे कि बहुत से लोगों को यह नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट अगर एकवचन का हो तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर बहुवचन का हो तो वर्ब कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब हमारा यानी कि कोई भी काम हो रहा हो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब। जैसे नहाना, खाना, पीना, रोना, गाना, दौड़ना, दौड़ाना, आना जाना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये सभी क्या है, हमारा वर्ब है। तो दोस्तों, जैसे कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है उसमें जो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है कि वर्ब आता है। उसी दोनों का कम्बिनेशन, उसी दोनों का जो एग्रीमेंट है उसे हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँगा कि जो हमारा वर्ब होता है वह सिंगुलर फॉर्म में होता है अर्थात एक वचन में, या प्लूरल फॉर्म अर्थात बहुवचन में। तो बहुत से लोगों को यह चीज़ नहीं पता होगा कि जो हमारा वर्ब है यह एक वचन में है या बहुवचन में। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब हमेशा हमारा होता है प्लूरल अर्थात बहुवचन में। तो दोस्तों, कोई भी वर्ब हो, आना जाना, रोना गाना, बैठना बैठाना, लिखना पढ़ना पढ़ाना, ये सभी हमारे वर्ब बहुवचन में ही आते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कोई भी वर्ब हो वो बहुवचन में ही आएगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनता है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब से, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब आपका रहेगा। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। दोस्तों, बस यही जो कम्बिनेशन है इसी कम्बिनेशन को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट अगर एक वचन का हो तो जो हमारा वर्ब है वह भी एक वचन का होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर बहुवचन का हो वर्ब भी हमारा बहुवचन का होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि अगर जो वर्ब है अगर वो प्लूरल है तो हम सिंगुलर इसे कैसे बनाएंगे। तो सिंगुलर अगर किसी भी वर्ब में आप लास्ट में यस या ई एस या आई एस ऐसे अगर कोई लेटर हम जोड़ते हैं वह वर्ब हमारा हो जाता है सिंगुलर। जैसे गो आपका प्लूरल है, गो सिंगुलर है, डू, डज, इस प्रकार के हमारे जो वर्ब हैं वो सिंगुलर बनते हैं यस ई एस आई एस इस प्रकार से लगाने पर। तो दोस्तों, आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल हमारा एग्रीमेंट यूज होता है। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया है ही सी इट आई वी यू दे, अगर एक वचन कोई है तो वहाँ पे जैसे राजा ले लिया या रानी ले लिया, कोई सिर्फ एक नाम हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बहुवचन में दो नाम या दो नाम से अधिक नाम हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल। इस प्रकार से जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, ही सी इट और कोई एक नाम, ये सिंगुलर होता है। आई वी यू दे दो नाम या दो नाम से अधिक प्लूरल होता है। तो आपको यहाँ पे वर्ब यूज करना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी वर्ब आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी के साथ गो यूज करेंगे, आपको पता है कि ये सभी सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है, ये दोनों मैच नहीं होगा। या तो ये प्लूरल है तो हम सब्जेक्ट को चेंज कर दें, प्लूरल कर दें, या फिर अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसे हम सिंगुलर करेंगे, तो इसे सिंगुलर करेंगे तो क्या जोड़ेंगे, ई एस। अब जैसे डू, डू माने जाना, ये डू आपका प्लूरल है, इसको हमको सिंगुलर करना होगा तो ई एस। अब जैसे राइट, राइट माने होता है लिखना, इसे करना होगा तो ये हो जाएगा यस। और इसी प्रकार जैसे गो हो गया आपका कम, ये कम में हम जोड़ देंगे यस। तो इस प्रकार से अगर हम वर्ब में यस या ई एस या आई ई एस अगर जोड़ते हैं तो वह हमारा होता है सिंगुलर। अब देखिए, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्लियर है। अब आते हैं प्लूरल में। तो जैसा कि हमें बताया था कि आई वी यू दे दो नाम या दो नाम से अधिक नाम होगा तो वो सभी प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वर्ब रख दीजिए, गो, कम, ईट, राइट, यानी कि कोई भी वर्ब हो ये हमारा प्लूरल होता है। तो ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल। तो कहने का मतलब यह है
कि अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन हो वर्ब भी एक वचन यूज होगा, सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो तो वर्ब भी बहुवचन यूज होगा, बस यही कम्बिनेशन एग्रीमेंट कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग अगर इस ऐसे याद रखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, तो कोई भी सेंटेंस आपका सब्जेक्ट और वर्ब में गलत हो ही नहीं सकता। ये जो है कि आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे इज आर एम वाज वर हैज हैव डू डज डिड, इस पे भी निर्भर करता है। अगर उसमें आप समझ जाएंगे कौन एकवचन है कौन बहुवचन है, कुछ हमारे ऑक्सिलरी वर्ब पार्टिकुलर काम करते हैं, जैसे आई के लिए एम होता है, आई के लिए वाज होता है, इन सभी को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के आप कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट से आसानी से कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें गलत है। इसी सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के आधार पे हमने आपको एच डब्ल्यू दिया है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से सेंटेंस में एग्रीमेंट सही नहीं है, अगर सही होगा तो क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ही ईट आई रन्स यू राइट दे स्लिप्स राम गो, आपको एग्रीमेंट सही करके सेंटेंस को सही बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। दोस्तों आज का हमारा जो छोटा सा वीडियो था बस यही था कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, मैं कुछ और इसी प्रकार का आपका ग्रामेटिकल लेकर के यूज आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।